श्री राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण, जय गुरुदेव। आज मैं आपको ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा हूँ जो कभी हमारे ऊपर कष्ट आ जाते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। हमें कष्टों से, परेशानियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे कैसे हमको निपटना है, कैसे उन संस्कारों को हमको भोगना है, इसी बारे में कुछ चर्चा है। आप ध्यान से सुने। कष्टों का स्वरूप अप्रिय है, उनका तत्कालिक अनुभव कड़वा होता है, अंततः वे जीव के लिए कल्याणकारी और आनंददायक ही सिद्ध होते हैं। उनसे दुर्गुणों के शोधन और सद्गुणों की वृद्धि में असाधारण सहायता मिलती है। आनंद स्वरूप आत्म प्रकाशमय जीवन और सुखमय संसार के कष्टों का थोड़ा स्वाद परिवर्तन इसलिए लगाया गया है कि प्रगति में बाधा न पड़ने पावे। थोड़ा सा कष्ट भी जीवन की सुख वृद्धि के लिए आवश्यक है। संसार में जो जो कष्ट हैं वे स्वाभाविक ही हैं, किंतु स्मरण रखिए, जितना भी थोड़ा बहुत दुख है वह हमारे अन्याय का, अधर्म का, अनर्थ का फल है। आत्मा दुख रूप नहीं है, जीवन दुखमय नहीं है और न इस संसार में ही दुख है। आप दुखों से डरिए मत, घबराइए मत, कांपिए मत, उन्हें देखकर चिंतित या व्याकुल मत होइए, वरन उन्हें सहन करने को तैयार रहिए। कटुभाषी किंतु सच्चे सहृदय मित्र की तरह भुजा पसार कर मिलिए। वह कटु शब्द बोलता है, अप्रिय समालोचना करता है, तो भी जब जाता है तो बहुत सा माल खजाना उपहार स्वरूप दे जाता है। बहादुर सिपाही की तरह सीना खोल कर खड़े हो जाइए और कहिए कि ऐ आने वाले दुखो आओ, ऐ मेरे बालको चले आओ, मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है, मैं ही तुम्हें अपनी छाती से लगाऊंगा। दुराचारिणी वेश्या की तरह तुम्हें जार पुत्र समझकर छिपाना या भागना नहीं चाहता, वरन सती साध्वी के धर्म पुत्र की तरह तुम मेरे आंचल में सहर्ष कीड़ा करो। मैं कायर नहीं हूँ जो तुम्हें देख कर रोऊं, मैं नपुंसक नहीं हूँ जो तुम्हारा भार उठाने में गिड़गिड़ाऊं, मैं मिथ्याचारी नहीं हूँ जो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने से मुंह छिपाता फिरूं, मैं सत्य हूँ, शिव हूँ, सुंदर हूँ। आओ मेरे अज्ञान के कुरूप मानस पुत्रो, चले आओ, मेरी कुटी में तुम्हारे लिए स्थान है, मैं सूरवीर हूँ, इसलिए हे कष्टी, तुम्हें स्वीकार करने से मुंह नहीं छिपाता और न तुमसे बचने के लिए किसी की सहायता चाहता हूँ। तुम मेरे साहस की परीक्षा लेने आए हो, मैं तैयार हूँ, देखो गिड़गिड़ाता नहीं हूँ, साहस पूर्वक तुम्हें स्वीकार करने के लिए छाती खोले खड़ा हूँ। खबरदार ऐसा मत कहना कि यह संसार बुरा है, दुष्ट है, पापी है, दुखमय है। ईश्वर की पुण्यकृति जिसके कण कण में उसने कारीगरी भर दी है कदापि बुरी नहीं हो सकती। सृष्टि पर दोषारोपण करना तो उसके कर्ता पर आक्षेप करना होगा। यह घड़ा बहुत बुरा बना है, इसका अर्थ है कुम्हार को नालायक बताना। आपका पिता इतना नालायक नहीं है जितना कि आप दुनिया दुखमय है, यह शब्द कहकर उसकी प्रतिष्ठा पर लांछन लगाते हैं। ईश्वर की पुण्य भूमि में
दुख का एक अणु भी नहीं है, हमारा अज्ञान ही हमारे लिए दुख है। ये हमारे किए हुए ही कर्म हैं जो हमारे आगे आते हैं, इनसे घबराना क्या है, हमारे ही उत्पन्न किए हुए हैं। समय समय पर जब उनको मौका मिलता है तो वो आकर के हमें कष्टों के रूप में, दुखों के रूप में हमें महसूस होते हैं। इनसे घबराना नहीं है, खाली भगवान नाम का कीर्तन करना है, प्रभु का स्मरण करना है। आगे की जन्म अगर सुधारने हैं तो प्रभु का स्मरण करो। ओम जो प्रकृति का स्वरूप है, निर्वाण मंत्र है, जो सत्य है, शिव है, सुंदर है, उस ओम का उच्चारण करो, उस ओम को हृदय में धारण करो। एक ओम कहने को शब्द है, लेकिन इस ओम को ओम 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 जपते जपते उपराम हो जाओगे, परमात्मा से मिलने का एक रास्ता है, श्री हरि से मिलने का एक मार्ग है। ओम।